आज मैं आप सभी को बताऊंगी कॉलर वाला सूट की कटिंग कैसे करते हैं। इस सूट का नाप है, इसको यहाँ से नाप लेंगे, 35 इंची आ रहा है। सीना नाप लेंगे, 18 इंची आ रहा है। इसको सीधा टिक लगा लेंगे, पहले 35 इंची लंबाई रख लेंगे। आधा इंच सिलने के लिए 35 इंची, 18 इंची पे दामन बना देंगे। 7.5 इंची यहाँ रख लेंगे, कॉलर वाला है इसलिए 7.5 इंची, 2 इंची रख लेंगे, 6 इंची रख लेंगे आगे का गला, 5.5 इंची आर्म रख लेंगे। 18 इंची का कब्जा था उसका आधिया करेंगे, 9 होगा, 9 इंची पे टिक लगा देंगे। 2 इंच सिलाई करने के लिए ज़्यादा रखेंगे, 9 लिए थे वहाँ 8 ले लेंगे, यहाँ 9 इंची ले लेंगे दामन बनाने के लिए। 1 इंच सिलने के लिए टिक लगा देंगे, तिरछे ले लेंगे इसको, इसको भी यहाँ टिक लगा देंगे, इसको यहाँ गाला बना लेंगे, आर्म होल इसको होल कर लेंगे। 2 इंच यहाँ मोड़ने के लिए रख लेंगे, 9 इंच मोहरी बनाने के लिए रख लेंगे, 10 इंच रखेंगे और 1 इंच सिलने के लिए इसको टिक लगा लेंगे, इसको गोल घुमा लेंगे, इसको भी गोल घुमा लेंगे। अब इसको कटिंग कर लेंगे, यहाँ टिक लगा देंगे सिलाई करने के लिए, यहाँ दामन बनाने के लिए यहाँ लगा देंगे, यहाँ इतना मोड़ने के लिए लगा देंगे, इधर लगा देंगे सिलने के लिए। अब पिछली वाला पला निकाल लेंगे, अगली वाला निकाल लिए हैं, ये पिछली वाला पला है, इसको कुछ नहीं करना है, इस पर बिछा देना है और काट देना है। देखिए बराबर है, 1 इंच बेसी ले लेंगे, ले लिए, बराबर काट देंगे। कट गया, इसको भी यहाँ कटिंग कर देंगे। अब गला काटना बच गया, 2 इंच ले लेंगे, देखिए 2 इंच है, 2 इंच यहाँ ले लेंगे, 1.5 इंच यहाँ ले लेंगे कॉलर लगाने के लिए, 2 इंच यहाँ ले इसको कटिंग कर देंगे। अब आगे का गला, आगे का जैसा बनाना है आप बना सकते हैं। अब बाजू बच गया काटने के लिए, देख सकते हैं आगे का लेस दिया है लगाने के लिए, तो इसको कबार लेंगे हम। इसको आराम आराम से कबार लेंगे ताकि फटे नहीं लेस, कबार लिए हैं लेस, इसको लगा देंगे आगे। बाजू काट लेंगे, हमको लंबा वहीं चाहिए, इसमें नहीं पुर रहा।
7.5 इंच बाहें हैं, इधर बराबर कर लेंगे। बाजू हो गया, हम बंधन काट लेंगे। छोटा बंधन चाहिए हमको, हम छोटा काट रहे हैं, आपको बड़ा चाहिए जितना बड़ा आप काट सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।